हेलो हाय गाइस एवरीवन, सब लोग कैसे हो। ऑल मोबाइल अनबॉक्सिंग यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आज एक ओप्पो का हैंडसेट है आपको दिखाने जा रहा हूँ। ओप्पो के दो फ़ोन हैं और मॉडल है ओप्पो F21 प्रो, और दोनों अलग अलग कलर के अंदर मैं दिखा रहा हूँ। मॉडल सेम है और इसके दोनों के बिल बॉक्स के साथ कंडीशन में, और फ़ोन कितने ज़ोरदार है। पूरे फ़ोन को अनबॉक्सिंग करेंगे और अपने फ़ोन को देखेंगे फ़ोन किस तरह का है, अपना पूरा रिव्यू देंगे। तब तक मेरे वीडियो को एक बार लास्ट तक बनाए रहना, और एक बार मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। इस दोनों फ़ोन को मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, फ़ोन में क्या क्या फीचर आते हैं, क्या रेंज के हैं, क्या प्राइस के हैं। ये 21,000 के करीबन ऑनलाइन फ़ोन आते हैं और बहुत अच्छे फ़ोन आते हैं, जो 8 GB रैम आती है, 8 GB 128 GB वेरियंट के साथ में। ये ग्रीन कलर का फ़ोन है, पीछे का भाग इसका देखो कितना ग्रीन है, और ये ब्लू टाइप में है, और जैसे पीछे का भाग है इसका ये पूरा ब्लू है, और कैमरे से लगा कर हर फैसिलिटी लगा कर फ़ोन में कोई नहीं। ये शाइनिंग ब्लू में, जैसे ब्लू कलर दे रहा है आप पीछे की जैसे लाइटिंग इसके ऊपर उठते हो, ये शाइनिंग दे रहा है। और यहाँ नज़दीक से आपको मैं दिखा दूँ, इसका ये एक सेंसर है और ये दो कैमरा प्लस ये तीन कैमरा और ये फ्लैश लाइट है। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल है पीछे का, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रही ओप्पो की एक ब्रांड है, तो ओप्पो ये जो लिखा हुआ है ओप्पो की ब्रांडेड है, और एड देखने को मिल रही है। यहाँ पर टाइप सी चार्जर है, यहाँ स्पीकर का है, और यहाँ एयरफोन जैक है, ऑडियो जैक बोलते हैं जिसको, और मतलब एयरफोन लगाते हैं। और ये फ़ोन पूरा ऑफन है, और मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ आगे का सेल्फी कैमरा यहाँ से है। बट फोन लुक से और डिज़ाइन से भी ज़ोरदार है, कितना फ़ोन एकदम बहुत बड़ा स्मूथ और हल्का सा आता है। अभी कंपनी ने अपडेट कर दिया, जैसे एंड्रॉयड 13 आता है उसके बाद, जैसे आप यहाँ से देखोगे डिवाइस में जाकर नॉर्मली, तो आपको ज़्यादातर फ्यूचर यहाँ से ही आपको मिल जाएगी कि भाई क्या क्या रैम है, क्या सिस्टम है, कि डिवाइस नाम है ओप्पो F21 प्रो है, 128 GB है, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है 680 का, 45 mAh की बैटरी है, और 6.43 इंच की इसकी साइज़ है, 8 GB रैम है प्लस 4 GB एक्सटेंड रैम है, एंड्रॉयड वर्जन 13 है, और सेल्फी कैमरा 32 है, पीछे के तीन कैमरे हैं, मेन कैमरा 64 है, दो और दो का है, मतलब दो दो एक खाली डिज़ाइन के लिए कंपनी देती है। बट सेल्फी कैमरा बहुत अच्छा है 32 का है, और वैसे जो ओप्पो का फ़ोन होते हैं वो एक कैमरा फ़ोन से ही जाने जाते हैं और सेल्फी से ही मानते हैं। ओप्पो बहुत अच्छे फ़ोन आते हैं, और 21,000 की रेंज के अंदर ये सारे फीचर में देखा जाए तो, बट फ़ोन लुक से और डिज़ाइन से, और ये फ़ोन बहुत बड़े मजबूत और बहुत अच्छे फ़ोन आते हैं, क्योंकि ओप्पो या हुआ चाहे वीवो हुआ, ये एक लॉन्ग टाइम चीज़ चलने वाली नहीं, और बहुत मजबूत आते हैं बॉडी से, बैटरी से, हर चीज़ से लगा कर आप देखोगे तो फ़ोन बहुत अच्छा आता है। और लुक से भी कितने ज़ोरदार फ़ोन है, कि आज 20-21 हज़ार की रेंज में आप फ़ोन देखने जाओ, ये लुक और ये डिज़ाइन में बहुत ज़ोरदार फ़ोन है। और उसके सारे फीचर देखोगे तो जैसे आपको ये डिज़ाइनिंग एक वन प्लस के ब्रांड की तरह देखने को मिल रही है। वैसे वो वन प्लस और इसमें ज़्यादा कोई डिफेक्टली नहीं है, परंतु अपडेट आया उसके बाद में वन प्लस के डिवाइस में और इसमें कोई ज़्यादा अंतर ज़्यादा बता नहीं रहा है। बट आप उसके नॉर्मल से अपने बात करते हैं कि 21,000 की रेंज अंदर क्या फ्यूचर आते हैं, तो स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर आता है, तो आपको पता ही है कि स्नैपड्रैगन एक कंपनी बहुत ही जूनी कंपनी है और बहुत अच्छा प्रोसेसर है। आप स्नैपड्रैगन 624 आप देखने जाओगे रेनो 80 का आ रहा है, और ये 680 इसमें दे रहा है, जो रेनो 85G 8 GB 128 GB 30,000 का है, और यही फ़ोन 21,000 के अंदर स्नैपड्रैगन 680 दे रहा है, ये एकदम बहुत अच्छी चीज़ है। और उसके अंदर कैमरा क्वालिटी के अंदर जो PPI बोलते हैं शॉर्ट में भाषा में, जो मेन कैमरा मेगापिक्सल का काम करता है जूमिंग और किस तरह के वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम के अंदर, तो वो 402 की है PPI, तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अंदर 402 की PPI भी है, तो मतलब फ़ोन एकदम कैमरे क्वालिटी में बहुत ही बड़ा ज़ोरदार फ़ोन है। और 90 Hz की उसकी डिस्प्ले, 90 Hz की डिस्प्ले मतलब जो डिस्प्ले की जो स्पीड आती है चलने की, और 90 Hz की स्पीड आती है इसकी, तो वो भी बहुत अच्छी है। और इसके अंदर गोरिल्ला ग्लास है 5 प्रोटेक्शन के साथ में, बहुत अच्छी चीज़ें, और विजुअल लंच वीडियो पंच हेलियो डिस्प्ले आती है, तो डिस्प्ले भी इसके अंदर बहुत एकदम अच्छी है। और पीछे का जो कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा है, मेन कैमरा को बोलते हैं, और बाकी वाले दो 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 के हैं, और LED फ्लैश इसको बोलते हैं, ये LED फ्लैश है। और यहाँ पे सेंसर है, यह भी कैमरा, ये दो कैमरे हैं, प्लस फ़ोन कितने ज़ोरदार है लुक से और डिज़ाइन से भी देखा जाए तो। और फुल HD में 3 FPS के साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम है, और सेल्फी कैमरा 32 का है, और 4500 mAh की बैटरी है, और 33 वोल्ट का सुपर वर्क चार्जर करके USB Type-C के साथ में, मतलब यहाँ पे आप देखना जाएगा तो यहाँ USB Type-C है, और उसके अंदर 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर है। और फ़ोन लुक से भी और डिजाइन से भी बहुत बड़े ज़ोरदार फ़ोन है और खूबसूरत है। वाटर रेसिडेंटली मतलब वाटर तो नहीं है, 1 TB तक एक्सटर्न रैम का अंदर भी सिस्टम है, बट देखा जाए तो लुक से भी डिज़ाइन से हर तरह से आप ये रेंज के अंदर कवर करने जा रहे हो कि भाई मेरे को 21,000 के अंदर आप देखने तो कोई नुकसान नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ से उसके आजू बाजू में आपको डिज़ाइन दिखा दूँ, ये दो प्लस माइनस का है, यहाँ सिम कार्ड का आता है, और बॉडी इस तरह की नॉइज़ कैंसलेशन आवाज़ का ऊपर से आता है, और यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच है, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आता है, जो इसके डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट आता है, जो एमोलेड डिस्प्ले आती है और महंगी डिस्प्ले में से आती है। यहाँ पे टाइप सी चार्जर है, यहाँ स्पीकर का है, और यहाँ पे ऑडियो जैक का है,
और फिंगरप्रिंट इसके डिस्प्ले के अंदर ही आता है। जो जो डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट आता है वो एमोलेड डिस्प्ले आती है और बहुत अच्छी आती है और महंगी डिस्प्ले में से आती है। बट लुक से और डिज़ाइन से भी फ़ोन जोरदार है। दोनों कलर में आपको दिखाया मैंने, ग्रीन भी और ब्लू भी, और दोनों कलर में बहुत ही बड़े जोरदार खूबसूरत फ़ोन है और बहुत अच्छे हैं। किसी को चाहिए तो बताना। इसका ये बॉक्स भी इस तरह का आता है, मैं आपको एक बार ये भी दिखा देता हूँ, इस पर भी आपको एक बार नज़र डलवा देता हूँ। इस तरह का इसके बॉक्स आते हैं, फ़ोन बहुत अच्छे हैं। बाकी बॉक्स के पीछे भी कुछ वेरिफिकेशन आते हैं, लिख के ही देती है कंपनी कि ये इसके अंदर सिस्टम है। वैसे 8 GB 4 GB एक्सटेंड रैम का है, 8/4/12 हो जाएगी। और फ़ोन लुक से भी और डिजाइन से भी हर तरह से आप देखा जाए तो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। एक बार मेरे वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।